पटना हाई कोर्ट के एक याचिका में लिए गए निर्णय द्वारा एक फैसले में निकाय चुनाव में अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त करने के विरोध में आज सोमवार को बिहार के औरंगाबाद जिले में अति पिछड़ा अधिकार मंच के बैनर तले जन आंदोलन मार्च शहर के गांधी मैदान से निकलकर धर्मशाला मोड़ रमेश चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां समाहरणालय गेट पर समाज के लोगों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इधर जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कुटुंबा प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम अपर समाहर्ता से अपर जिला दंडाधिकारी आशीष कुमार सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपकर इस मामले से अवगत कराया। बताते चले कि इस रैली का आयोजन आक्रोश मार्च में तब्दील करके जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, महामहिम राज्यपाल, बिहार जिला पदाधिकारी महोदय, औरंगाबाद बिहार, 5 सूत्री मांग किया गया। जो अति पिछड़ा अधिकार मंच औरंगाबाद बिहार के तत्वाधान में आज दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को जन आक्रोश रैली के माध्यम से अति पिछड़ा समाज की ओर से 5 सूत्री मांग पत्र समर्पित। बिहार नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा को आरक्षण लागू कर चुनाव कराया जाए। जातीय जनगणना के आधार पर अति पिछड़ा का आरक्षण लागू किया गया। बिहार विधानसभा लोकसभा में अति पिछड़ा का आरक्षण दिया जाए। जन नायक कपूरी ठाकुर जी का भारत रत्न दिया जाए। अति पिछड़े को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस मौके पर धर्मेंद्र कुमार, उदय कुमार गुप्ता, किशोर कुमार एवं कई लोग उपस्थित रहे। और तब से लेकर के लगातार जब भी चुनाव हुआ है आरक्षण हम लोगों को दिया गया, और इस बार भी जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो आरक्षण के साथ ही लागू किया गया। लेकिन एकाएक साजिश के तहत यहाँ पर जो है जो कोर्ट बंद थी 10 तारीख तक उसको खुलवा करके बीच में जो है डिसीजन पलटवा दिया जाता है और एकाएक नगर निकाय चुनाव को रोक लगा दिया जाता है। तो ये पूरी साजिश है भाजपा सरकार की, जो कि उन्होंने साजिश के तहत ये आरक्षण को यहाँ पर समाप्त किए और उनका विभिन्न जातियों का नहीं है, एक समाज का है अति पिछड़ी, जिसमें करीब करीब 100 से भी ज्यादा जातियां आती है, 124 ये वो जातियां हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए हैं। पहले तो जितने अति पिछड़ा के भाई भाई वो है सब एकजुट रहे, क्योंकि आपको लड़ाई अब शुरू है और लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। और ये केवल आरक्षण की बात नहीं है कि हम चुनाव में ही केवल चाहिए, चुनाव से मतलब नहीं है, आरक्षण तो हर जगह जरूरत है, क्योंकि लाइन जो है कहीं ना कहीं तोड़ चलता है, एक ऊपर का लाइन एक नीचे का लाइन। निकलना है समय के अवसर में आज आपके मार्ग को लेकर और दोस्तों ये मौका मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सामने, हम सभी के सामने एक चुनौती का दौर है और इस चुनौती भरे दौर में हम लोग कितनी अपनी संघर्ष को सफलता रूप दे सकते हैं, ये आज हम लोगों की लड़ाई से सामने आएगी। इसके पहले हमने इनकलाबी नौजवान सभा के माध्यम से परसों दिन प्रोटेस्ट हम लोगों ने पूरे बिहार के अंदर में प्रतिवाद मार्च निकाला था। ये भाजपा की षड्यंत्र है, साजिश है और ये जो है इस आरक्षण के ऊपर में डायरेक्ट हमला है। इसलिए इस आरक्षण को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान